फेवरेट चल रहा है यहाँ पर नूडल। तिवारी ने खाजा दिवाली और हैप्पी दिवाली टू एवरीवन फ्रॉम यारम फैमिली। सो अभी हो चुकी है रात और हम रेडी हो चुके हैं और आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा, बहुत बिजी रहा, बिकॉज सारी शाम की तैयारी करनी थी, घर डेकोर करना था और पूजा की तैयारी करनी थी। सो अभी हम फाइनली रेडी हो चुके हैं और हम कैसे लग रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। और यानिक ने पहना है कुर्ता, मैंने पहना है एकदम प्यारा सा सूट सा और ये है मेरे प्यारे से झुमके। सो और फैन ब्रशर भी रेडी हो चुके हैं, सब रेडी हो चुके हैं और थोड़ी तैयारी अंदर और चल रही है और रंगोली भी बना दी है भाई ने। और अभी हम थोड़ा दियो से घर को डेकोर करेंगे और बेबीज जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं हर साल हमारे घर पे, वैसे वो लोग भी आएंगे, उनका वेलकम करेंगे। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखना और बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। सो अभी देखते हैं। सो गाइस, दिवाली की जो तैयारी थी वो हम काफी दिनों से कर रहे थे, घर की सफाई भी चल रही थी एंड फाइनली आज वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। हमने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, वो मैं अभी एक आपको घर का टूर एंड छोटा सा टूर एंड डेकोर क्या हमने डेकोरेशन किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दैट्स गो गाइस, मेरे पीछे आप जो देख रहे हो दैट्स माय होम एंड इसको हमने बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल तरीके से डेकोर किया है, बहुत सारी जगह पर लाइटिंग्स लगाई है, वो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो ऊपर का जो टेरेस है वहाँ पर भी लाइट्स लगाई है एंड इस बार हमने यहाँ पे नीचे स्टार लाइट्स लगाई है, नहीं तो हमेशा मिर्ची लाइट्स लगाते हैं। सो यहाँ पे नीचे भाई ने रंगोली बनाई है, बहुत ब्यूटीफुल सी रंगोली बनाई है। सो कैसी लगी आपको ये रंगोली प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और ये है मेरे घर के बाहर का व्यू, डैड यहाँ पर भी कैंडल्स लगा रहे हैं, उनके उन्होंने कैंडल्स लगा के कंप्लीट कर दिया, सारे जगह पे उन्होंने कैंडल्स एंड दिए रख दिए। तो ये था बाहर का व्यू, यहाँ पर मैंने ये जो हमारा झूला है उसके अंदर भी लाइट्स फिक्स की है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो ग्लास है ये लाइट्स अंदर से लगाई है भाई ने, सो वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी चलते हैं हम अंदर, यहाँ पर हमने लैडर के ऊपर भी लाइट्स लगाई है और इसके अंदर भी लाइट्स है, सारे इसके अंदर लाइट्स है। ये मॉम लेके आए थे, वो भी काफ़ी अच्छे लग रही है। ये है हमारे घर का फिश टैंक, इसके पीछे भी हमने लाइट्स लगाई है। आज ही हमने इसके अंदर न्यू फिश एड्स की है, वो है ये कलरफुल फिश। ये जो सारे कलरफुल फिश दिख रही है वो सारी फिश आज हमने ऐड करी है इसमें। तो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं हॉल में, घरों को खाना खिला रहे हैं, उसके खाने के लिए बहुत नाटक है, थोड़ा सा भी खाना नहीं खाता है वो, सिर्फ चॉकलेट्स पे जिंदा है वो, चॉकलेट्स और बिस्किट से खाता है और वेफर्स खाता है और आइसक्रीम खाता है, इसके अलावा कुछ खाता नहीं है। सो इसको चिल्लाना पड़ेगा अभी। और भाभी ने पहनी है येलो कलर की साड़ी जो पता नहीं नई है पुरानी है, डेफिनेटली नहीं है, शॉपिंग करके आई है बहुत सारी एंड उन्होंने पहनी है, अच्छी लग रही है, ब्यूटीफुल लग रहा है। और भाई ने पहना है येलो कलर का शर्ट एंड पैंट, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। से हाय हाय पूरम यहाँ पे बैठी है दोनों किड्स के साथ में, मैंने उनको उसको चिल्लाया किड्स को पहले देखने का एंड फिर बाकी सारी चीज बाद में, तो मैंने उसको यहाँ पर बिठा दिया है, थोड़ी सी सैड हो गई है। हाय पूरम, क्यों सैड हो गई तू? ये हमारे यारम किड्स राइशु और रायन को हमने पहनाया है पिंक पिंक कपड़े, ये कपड़े इनको इनकी मासी ने दिए थे, वो है मेगा मासी, से थैंक यू। हाँ सी राइशु सेइंग थैंक यू, रायन यू से थैंक यू, से थैंक यू।
Ryan doesn't want to say thank you. बहुत गुस्से में देख रहा है. तो ये मेरे मॉम एंड बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रेडी हुए हैं. उन्होंने हेयर में गजरा भी लगाया. मॉम देखो यहाँ पे. एंड मॉम ने कनम के लिए गिफ्ट लाया है. तो ओपन करो. ओह वाओ, मॉम के टेन पैंट है. से थैंक यू. से थैंक यू. थैंक यू. पर कौन है दादी ने तो कहो थैंक यू. तो मॉम ने रायन एंड रायशा के लिए भी गिफ्ट लाए. मॉम दे रहे हैं उनको गिफ्ट. मैंने दिया क्या. थैंक यू रायन. थैंक यू दादी. काफी टाइम से वो लोग जगे हैं. सो अभी नॉट इन मूड. अभी है रायशु की बारी. रायशु के लिए भी मॉम ने बहुत अच्छा सा गिफ्ट लाया है. वो देखेंगे अभी हम. एंड मॉम ने लाया है ये प्रिटी सा लाई का ड्रेस. एंड ये है पार्टी वेयर. मॉम को बहुत अच्छा लगा. सो मॉम ने ये ड्रेस रायशु के लिए लेके आई. से थैंक यू रायशु. से थैंक यू. सो गाइस अभी यहाँ पे मॉम पूजा कर रहे थे एंड अभी आरती स्टार्ट होगी. डैड रेडी होने बाकी थे. सो डैड भी रेडी हो चुके. एंड दिस इज माई डैड. सबको पता ही है. काफ़ी सारी वीडियोज में आपने मेरे डैड को देखा है. एंड आज पूरी फैमिली घर पर है एंड दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं मॉम एंड डैड. सो फाइनली जीवा आई है दिवाली करने. हाय जीवा. हाय जीवा. दिवाली ने खाजा. ट्रेंड है हमारा जो विलेज है वहाँ पे एक ट्रेंड है. एंड वो ट्रेंड ऐसा है कि जो छोटे बेबी छोटे बॉयज एंड गर्ल्स रहते हैं वो घर घर जाते हैं एंड दिवाली का गाना गाते हैं. एंड वो इस तरीके से आते हैं. तो यहाँ पे मेरे साथ में यहाँ पे खड़े हैं ये लोग. से हाय. हाय क्या बता. सो अभी ये एक ब्यूटीफुल सा गाना गाएंगे एंड वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा. सो गाइस आप देख सकते हो ये लोग कितने प्रीटी लग रहे हैं. क्यूट ड्रेसेस पहन के आए हुए हैं. ये सारे हमारे विलेज के बच्चे लोग हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में रहते हैं. जैसे कि पड़ोसी बोल सकते हैं आप हमें. आप इनको पड़ोसी बोल सकते हैं. एंड बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के आए. इनकी प्लेट्स में क्या क्या है. एक दिया है एंड फ्लावर्स है. और अभी मॉम ने इनको आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स दी है. तू बाकी ने पैसा बाकी ने एमन छोटा अपन दिखा. चल बर्थडे में बैसे ने पहले आइसक्रीम खाई लो ना. तो गाइस इस तरीके से यहाँ के जो चिल्ड्रंस है वो दिवाली को एंजॉय करते हैं. एंड अभी ये घर घर जाएंगे एंड ऐसे ही इसी तरीके से गाना गाएंगे. एंड इनके जो भी कलेक्शंस होंगे ये जो मनी कलेक्शंस होंगे वो पिगी बैंक में डालेंगे. जब मैं छोटा था तभी मैं भी जाता था एंड काफ़ी सारे पैसे जमा होते थे. 500,000 रुपीज़ ऐसे जमा होते थे. एंड देन वी यूज टू पुट दैट इन द पिगी बैंक. और ये वो हम पिगी बैंक में डालते थे एंड उससे कुछ भी लेना हो तो हम ले सकते थे. सो मैं 20 रुपए कछु मुके दे. नीचे अनीचे मुके दे. नीचे मुके दे. जीवा के लिए भी गिफ्ट लिया है. सो मॉम अभी जीवा को गिफ्ट दे रहे हैं. ये
काफी प्रिटी ड्रेस है एंड दिवाली गिफ्ट है शिवा के लिए। से थैंक यू, से थैंक यू। और यहाँ पे चल रहा है इनका फोटोशूट, लिटिल नॉटी बॉय का फोटोशूट चल रहा है यहाँ पर। Give a big smile. Yes. इतना नॉटी है, कुछ सुनता नहीं है, एक बात उसको सुननी नहीं रहती है, कुछ की करनी रहती है। अभी देखो फोटो खींच रहा है तो कैसे कर रहा है। चीज सो गाइज, फाइनली इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। हमने काफ़ी सारा अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड किया ऑल टुगेदर, मैनी ईयर्स के बाद हम सब साथ में थे एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर भी हम सब साथ में होंगे एंड दिवाली इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे। चलो तो ये इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइज, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। दिस इज़ यानिक साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।